सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। संसद के शीतकालीन सत्र में कई चर्चाएं हैं। इस बीच सोमवार को मोदी सरकार ने चुनावी साल में आखिरी दांव चलते हुए सवर्णों के लिए 10% आरक्षण के मसौदे को मंजूरी दी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने मंगलवार को इसे लोकसभा में पेश किया। गरीब सवर्णों को सरकारी नौकरियों और शैक्षिक संस्थानों में 10% आरक्षण के मुद्दे पर लोकसभा में बहस जारी है। थावरचंद गहलोत ने कहा कि इस विषय पर ऐतिहासिक कदम उठाने की जरूरत थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि SC ST और OBC आरक्षण के साथ कोई छेड़छाड़ या भेदभाव नहीं किया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री थावरचंद गहलोत ने मंगलवार को लोकसभा में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों के लिए 10% आरक्षण बिल पेश किया। सोमवार को केंद्रीय कैबिनेट ने इस मसौदे पर मुहर लगाई थी। इस पर केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने लोकसभा में बिल पेश करने के दौरान कहा कि इस संविधान संशोधन के बाद तमाम धर्मों के गरीब सवर्ण इसके दायरे में आ जाएंगे। हालांकि कांग्रेस, BSP, सपा और आम आदमी पार्टी ने भी सवर्णों के आरक्षण बिल का समर्थन करने का ऐलान किया है। वहीं मोदी सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले सवर्णों को आरक्षण देकर ऐतिहासिक कदम उठाया है और मोदी सरकार के इस कदम को मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि संविधान 124वां संशोधन विधेयक 2019 पर विचार किया जाए। प्रधानमंत्री जी जब बने थे तो उन्होंने कहा था उनकी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, सबका साथ सबका विकास, जो कहा था वो किया और आगे कारगर कदम उठाने की दृष्टि से ये संविधान संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया है। इन गरीब सामान्य वर्ग के लोगों को शैक्षणिक संस्थानों में इनके छात्र छात्राओं को पढ़ने के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान इस संशोधन के बाद किया जाएगा। 49% उसको छेड़े बिना, उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ किए बिना अतिरिक्त 10% आरक्षण का प्रावधान शिक्षण संस्थाओं में और सेवाओं में दिया जाएगा। लोकसभा में सवर्णों के आरक्षण पर चर्चा में भाग लेते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, हमें सामाजिक न्याय व्यवस्था का भी ध्यान रखना होगा और पिछली सरकारों ने आरक्षण देने के लिए सही कोशिश नहीं की थी। मैं कांग्रेस पार्टी के जो प्रमुख वक्ता श्री केवी थॉमस ने अपनी भावना व्यक्त की है और उसके बाद कहा कि हमारी पार्टी इसके विरोध में नहीं है, मैं तो यहां देख रहा हूं कि अधिकतर राजनीतिक दल चाहे इस तरफ हो या उधर हो, जब उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र जारी किए थे तो अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के जो गरीब हैं उन्हें आरक्षण मिले ये जुमला तो उसमें डाला था और इसलिए आज तक कई सरकारें आई, केंद्र में भी राज्यों में भी कई बार प्रयास भी हुआ लेकिन सही रास्ते से प्रयास नहीं हुआ और इसलिए वो कानूनी रोक के अंदर आकर कहीं ना कहीं उसमें बाधाएं खड़ी हो गई। गरीब सवर्णों के आरक्षण बिल पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता अश्विन कुमार ने आम चुनाव से 3 महीने पहले आरक्षण देने पर सवाल उठाए। कांग्रेस पार्टी हमेशा इस पक्ष की रही है कि आर्थिक सृष्टि से, सामाजिक सृष्टि से दृष्टि से जो लोग पिछड़े हैं उनको जितनी भी सहूलतें मिले, जितनी भी उनकी मदद हो वो होनी चाहिए। सवाल ये उठता है कि क्या ये बात, ये सोच BJP के दिमाग में 4.5 साल के बाद आई जब लोकसभा के चुनाव में केवल 3 महीने रह गए हैं। इसमें संवैधानिक मसले हैं, इसमें संवैधानिक चुनौतियां हैं, कानूनी चुनौतियां हैं, राजनीतिक चुनौतियां हैं। सभी जानते हैं कि ये लोकसभा चुनाव से पहले इसको कार्यान्वित नहीं किया जा सकता, तो इसीलिए नियत पर और नीति पर BJP सरकार के प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। वहीं गरीब सवर्णों के आरक्षण बिल पर सपा नेता रामगोपाल यादव ने बिल का समर्थन करते हुए कहा कि इसके साथ ही OBC का भी आरक्षण कोटा बढ़ाया जाना चाहिए।
अब पिछड़ों ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की बात की थी, तब इसलिए 27% की आरक्षण की बात की थी क्योंकि सीमा 50% सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सीलिंग कर दी है कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। 22.5% एससी एसटी के लिए ऑलरेडी था, इसलिए 27% किया गया। पिछड़ों के लिए भी आबादी के हिसाब से होना चाहिए था, लेकिन 50% की सीमा की वजह से उसको आधा कर दिया, 27% कर दिया था। अब जब गवर्नमेंट 50% की सीमा को उल्लंघन आगे जा रही है, जब उस लक्ष्मण रेखा को पार कर रही है, तब हमारा ये मांग है कि ओबीसी का उनकी आबादी के हिसाब से 54% आरक्षण होना चाहिए। मोदी सरकार ने चुनावी साल में नाराज सवर्णों को मनाने के लिए आरक्षण का कार्ड खेला है। हालांकि आरक्षण हमेशा से ही एक ऐसा मुद्दा रहा है जो सियासत को नया मोड़ देने के लिए काफी अहम साबित हुआ है, चाहे फिर 90 के दशक में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू किया जाना ही क्यों न रहा हो। राजनीति में चल रही आरक्षण की ये कहानी आज की नहीं है, बल्कि आज़ादी से पहले से चली आ रही थी। अब देखने वाली बात ये होगी कि मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक चुनाव में नैया पार लगा पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, MH1 न्यूज़। धर्म के तो ये आपने सुना किस तरह चर्चा सदन में हो रही है। एक बार आपको लोकसभा लेकर चलते हैं। देश के प्रतिनिधि इस वक्त इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और वहां से आएंगे तो हम यहां पर चर्चा करेंगे कई खास मेहमानों के साथ। एक बार आपको लेकर चलते हैं लोकसभा। ये धीरे धीरे एससी एसटी एक्ट का जो रिजर्वेशन है उसको खत्म करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि दलितों पर अत्याचार पहले होते रहे। मैडम आखिरी बात है, मैडम 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 आखिरी बात, मैडम आखिरी बात है। बिल के पंजाब पंजाबी के एक बहुत बड़े शायर दलित थे, संतराम उदासी गरीबों के लिए लिखते रहे हैं, दलित दलित समाज के लिए लिखा, दबे कुचले लोगों के लिए। पंजाबी में उन्होंने लिखा, गल लग के सीरी दे जट रोवे, बोला बिच्चों नीर बग्या, लिया तंगली नसीबा नू फरोलिए, तूड़ी बिच्चों पुत जग्या। सो आज मैं जट सिख बरादरी से आता हूं, जिसको पंजाब में जाट कहते हैं। हमारा भी बुरा हाल है, नाम के जाट रह गए हम, तो क्या क्या करोगे, किसके लिए दोगे? अगर तमन्ना होती पहले आता। अब पता है सिर्फ एक मुद्दा बनाना है, राज्यसभा में तो पास होगा नहीं, मुद्दा बनाना है, बना लो। एक और जुमला, बीजेपी भारतीय जुमला पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा जी प्लीज, यू डोंट वांट टू वेयर जी। मैडम बोलिए ना जी। मैडम मैडम बोलने से पहले एक विनती आपसे है कि मेंबर पार्लियामेंट के रूप में पहला मेरा स्पीच है, इसलिए मेडन स्पीच है, बीच में जरा सा रोकने की कृपा ना करेंगे। अब के पहले मैं मंत्री के रूप में बोलता था। आप पहले बताओ कितने मिनट बोलेंगे, तो उतने मिनट तक नहीं फिर बोलूंगी कुछ। पता नहीं प्लीज समय मैडम। यस प्लीज प्लीज यस बोलिए उपेंद्र जी। आप इधर मतलब ऐसे डिस्टर्ब होगा तो और ज्यादा समय आपको देना पड़ जाएगा। नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे डिस्टर्बेंस होगा तो और ज्यादा समय देना। केवल स्पीकर की तरफ देख के बोलोगे तो डिस्टर्ब नहीं होगा। अभी तो मैडम को बताइए ना, मैडम ने मेरी सीटें हानि निर्धारित की है। बोलिए बोलिए। अब देखिए मैडम, आप आपके कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहे हैं, सीट आपने यहाँ दी है, हम तो यहाँ इसलिए। तो आप ये देख रहे हैं सदन में किस तरह चर्चा इस वक्त जारी है। और चलिए अब चर्चा में बढ़ते हैं क्योंकि कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा बीजेपी से, जोगीराम इंडियन नेशनल लोकदल से, महिपाल सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजेश यादव हैं कांग्रेस से वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुरेश मछरौली जाट नेता हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और मनदीप बिश्नोई जननायक जनता पार्टी से वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। महिपाल जी आपसे शुरुआत, ये जो ये 10% सवर्णों को गरीब सवर्णों को आरक्षण है, इसके मायने क्या हैं? अगर हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में, केंद्र के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, 2019 के चुनाव के लिहाज से देखा जाए, कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं अभी? देखिए वरुण जी, ये मंडल कमीशन या जो रिजर्वेशन जितना भी आरक्षण जितना भी है वो हमेशा से वोट को ध्यान रख के दिया गया है जी। 1979 में चौधरी चरण सिंह ने जब बिंदेश्वरी मंडल के अध्यक्षता में कमेटी बैठाई थी, मंडल कमीशन की गठित किया था, उनके सामने भी यही था कि मैं किसी प्रकार से जो पिछड़ा वर्ग है
नीचे दलित समाज है, ऊपर सवर्ण हिंदू है, जो बीच का जो पिछड़ा वर्ग है मैं उसको अपना एक वोट बैंक बनाओ, अपना वोट बैंक बनाओ। इससे पहले कि ये मंडल कमीशन रिपोर्ट सबमिट करता तो चरण सिंह हुकूमत चली गई और कांग्रेस के टाइम पे इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बन गई और उस समय उनको सामने रिपोर्ट पेश की गई 1980 में। उसके बाद ये 9 साल तक 10 साल तक इसको किसी ने पूछा, धूल फांकती रही। जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और उनकी चौधरी देवीलाल से टकराव हुआ जो उस समय डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, तो चौधरी देवीलाल को जब उन्होंने अपनी मंत्रिपरिषद से बर्खास्त कर दिया और उन्हें बहुत बड़ी रैली दिल्ली में करने की घोषणा की, तो उसको काउंटर करने के लिए कि ये दिखाने के लिए मैं भी एक वर्ग का नेता हूँ, उन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू कर दी। मैं दो चीज़ें बताऊंगा, ना चौधरी चरण सिंह को फायदा हुआ ना वीपी सिंह को इससे फायदा हुआ। अब मैं तीसरी बात पे आता हूँ, हरियाणा परिप्रेक्ष्य में किसी को याद होगा, यादव जी बैठे हैं, इनको याद होगा, जो भाई बैठे यहाँ पे इसमें डिबेट में उनको भी याद होगा, 4 मार्च 2014 उस दिन हरियाणा के लिए जाट आरक्षण की, जिनमें 6 जातियां थी, जाट थे, रोड़ थे, त्यागी थे, जट सिख थे, इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी, ओबीसी में डाल दिया गया था। उससे ऐसा लगने लगा था कि ये जातियां सारी की सारी इन टोटो उसको आ जाएंगी, कांग्रेस को पड़ जाएंगी और कांग्रेस के बेड़ा पार हो जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस आज के दिन बीजेपी भी ये सोच के चल रही है कि ये जातियों के जो हमने आरक्षण दिया है 10%, उससे शायद ये जो वर्ग नाराज हुआ कोर वोटर, हाँ, जो परंपरागत वोटर था इसका बीजेपी का, वो शायद लौट के वापस आ जाएगा। ठीक है, दो चीजें होती है, एक तो आपकी जो है ना तात्कालिक नाराजगी है वो दूर हो सकती है, अगर आपकी आर्थिक नाराजगी है ना वो दूर नहीं होगी। ये देखना है इन बच्चों को होगा जो आगे एग्जाम देंगे, पढ़ाई करेंगे, एडमिशन लेंगे। आज एक चीज़ और भी डाल दी कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन करवाएंगे। मैं नहीं समझता कि प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन कैसे करवा देंगे। मान लीजिए मैं एक दुकान चलाता हूँ, मेरे पास 20 मेरा बड़ा शोरूम है, उस 20 आदमी काम करें, मैं तो काबिल आदमी का रखूँगा, मैं तो मेरिट पे आदमी को रखूंगा। मैं ये थोड़े दूंगा कि भाई इस आदमी को कुछ आता हो या ना आता हो, मैं नहीं कहता कि उनको नहीं आता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि एक अच्छा सेल्समैन अपनी दुकान में रखूं। ठीक है ना, तो ये चीजें जो है ना, इस तरह की चीजें आगे मैं मुझे लगता है कि कोई बहुत कारगर से दूंगी। तीसरी बात, वही बात जैसे जो बीजेपी कांग्रेस ने किया था 2014 में कि आखिरी दिन दे दिया, अब इनके 2 महीने बचे हुए थे, 2 महीने बाद तो कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, इलेक्शन आ जाएंगे, उसके बाद कौन जीतता कौन हारता, कांग्रेस आती है बीजेपी आती है, दूसरा ये सवाल उसके भविष्य के गर्भ में है, इसके बारे में कुछ चर्चा नहीं करना चाहूंगा। लेकिन आज की स्थिति यह है कि इन्होंने चलते चलते ये दिया है कि मैं एक वर्ग को खुश करने का प्रयास करूं। ठीक है, डॉक्टर भागवत दयाल शर्मा, 4 साल 8 महीने बीतने के बाद अगर आप कुछ ऐसा फैसला ले रहे हैं, ऐतिहासिक फैसला कहा जा रहा है, बड़ा फैसला कहा जा रहा है, मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, लेकिन जोड़ा तो उसको चुनाव से ही जाएगा ना सर? देखिए वरुण जी, सरकार का काम होता है जनता की भावना के अनुरूप काम करना। अच्छा। जनता जो मांग करे, क्योंकि संविधान का भी मूल उद्देश्य यह है कि जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा। ठीक है, तो जनता ने मांग की, जैसे महाराष्ट्र में मांग की, मराठा आंदोलन हुआ, हरियाणा में जाट आंदोलन हुआ, उसमें मांग की गई कि ऐसा नहीं है केवल शेड्यूल कास्ट के लोग गरीब हैं, जनरल कास्ट में भी जो बहुत से लोग गरीब हैं उनका ध्यान रखा जाए, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे राजपूत हो, चाहे जाट हो, बहुत से गरीब व्यक्ति रेहड़ियां लगाते हैं, मजदूरी करते हैं, तो वो बातें आई। और सरकार का काम है कि जनता जो मांग करे उस पर उसकी मोहर लगनी चाहिए। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब भी आर्थिक आधार पर आरक्षण देने के लिए मंत्रिमंडल समूह गठित किया था। तो देखिए, राजनीतिक नफा नुकसान तो कोई भी राजनीति पार्टी है, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे दूसरी कोई पार्टी हो, हर कोई देखती है, मैं उससे गुरेज नहीं करता। ठीक है, किंतु हमारा जो उद्देश्य था सबका साथ सबका विकास, उसको देखते हुए हमने किया है। जहां तक बात राजनीति की, हमारे राजनीति इन्होंने, हमारे सीनियर साथियों ने सही बात कही कि इससे कोई ऐसा नहीं होगा, लेकिन हमने जो उद्देश्य था, हमने हमारा जो एक संकल्प था, कल जब हमने अनाउंस किया तो लोगों ने कहा ये जुमला है, आज हमने जब लोकसभा में पेश किया तो वो जो बोल रहे थे कि ये केवल जुमला है, ऐसा कुछ भी नहीं था, आज ये पारित हो जाएगा। और कल राज्यसभा में भी हमें पूरी उम्मीद है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं राजनीति से ऊपर उठ करके गरीब आदमी के हित की बात करेंगी, क्योंकि जो
अगड़ी जाति में भी बहुत अमीर व्यक्ति है, वो अपने डॉक्टर साहब आऊंगा आपके पास संक्षेप में, बहुत सारे मेहमान है मेरे पास सर, मैं लौटूंगा, मैं लौट रहा हूँ सर आपके पास। राजेश यादव जी, कल तक आप कह रहे थे ये जुमला है, लेकिन आज आप समर्थन कर रहे हैं। देखिए वरुण जी, हम तो पहले दिन से ही कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार या भाजपा की सरकार ये जुमलों की ही सरकार है। इनका काम जुमले छोड़ना है, उन्माद पैदा करना है और उसकी आड़ में अपने चहेते 10-15 पूंजीपतियों का विकास करना है। तो फिर आज समर्थन में क्यों आ गया? अब मैं, हम कभी इसके विरोध में नहीं थे वरुण जी। आप संविधान को पढ़िए, जब आरक्षण का जो है पहले, यही जो इनके भाजपा और इनका पितृ संगठन है आरएसएस, वो कहते थे कि भाई ये तो आरक्षण तो एक भीख है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम पहले दिन से कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आरक्षण आर्थिक सामाजिक गैर बराबरी को समानता के स्तर पर लाने का एक कार्यक्रम है, ये गरीबी उन्मूलन का और रोजगार उन्मूलन का कार्यक्रम कतई नहीं है। इसमें जब संविधान का में जो आरक्षण का प्रावधान दिया वरुण जी, तो उसमें लिखा हुआ था कि जो भी व्यक्ति जो जिसको जरूरत है, जो जो असमानता का शिकार है, जिसको बराबर के मौके नहीं मिल रहे हैं रोजगार के या पढ़ाई लिखाई के, उन सबको चाहे वो किसी भी समुदाय से आता हो, किसी भी जाति से आता हो, किसी भी वर्ग से आता हो, उसका उत्थान के लिए, उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, बराबरी पे लाने के लिए आरक्षण के माध्यम से उसको बढ़ाया जाएगा। दूसरा, अब ये देखिए कि जो ये जो 10% आरक्षण की जो ये बात कर रहे हैं कि हम दे रहे हैं, अभी नरेंद्र मोदी जी का जुमले का इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा कि इन्होंने ये कहा है कि जिस परिवार की माता पिता की 8 लाख प्रतिवर्ष आय है उसको भी आरक्षण मिलेगा। तो आप उनके आंकड़े उठा के देखिए तो देश में 99% ग्रामीण आबादी ऐसी है जिसकी जो प्रतिवर्ष की आय है वो 8 लाख रुपए से कम है। दूसरा, इन्होंने ये कहा जो 5 एकड़ से कम जमीन का मालिक है वो भी इस आरक्षण का अधिकारी होगा। तो इस देश में 86% लोग जो 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 जिनके पास भूमि का मालिकाना हक है वो 5 एकड़ से कम है। ठीक है, तो इसका मतलब आपने स्वर्ण गरीबों को भी इस आरक्षण का लाभ नहीं देने की योजना बनाई, आपने तो सबको दे दिया ये। अब इसमें यह है कि नरेंद्र मोदी जी 24 लाख पद खाली पड़े हैं केंद्र में, उन 24 लाख पदों को भरने के लिए तो आपने 4 साल में कुछ नहीं किया। हरियाणा में 65,000 पदों पे वैकेंसियां निकाली आपने और मात्र 10,000 पदों पे आपने भर्तियां की, भर्तियां आप कर नहीं रहे हैं, आप आरक्षण की कैसे बात कर रहे हैं। दूसरा, आप जो आरक्षण लागू है, आप ये देखिए जो 2011 की जनगणना हुई थी वरुण जी, उसमें जाति के आधार पर जनगणना हुई थी, उस जाति के आधार पर जनगणना हो चुकी है, उसके आंकड़ों को ये सरकार क्यों दबा कर बैठी है? वो आंकड़े जारी कीजिए आप, उससे पता लगेगा कि किसको आरक्षण की आवश्यकता है, कौन गरीब है। तो सर बहुत मेहमान है आ रहा हूं आपके पास। ये भारतीय जनता पार्टी का झूठ का एक और नया नमूना है और इसके द्वारा ये चुनाव में उन्माद पैदा करके अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए चुनाव में उन्माद पैदा कर रहे हैं। आप समर्थन क्यों कर रहे हैं? हम इसका समर्थन शुरू से कर रहे हैं, लेकिन हम इसका समर्थन मजबूरी है आपकी नहीं, जो भाजपा ने किया इसका मजबूरी है। आप कमाल कर रहे हैं, उन्माद भी पैदा होगा तो आप समर्थन नहीं करेंगे। आज 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 अगर आपको आशंका इससे उन्माद पैदा होगा तो आप समर्थन नहीं करेंगे। वरुण जी, जो आज ये जो सरकार है 5 साल सरकार, उसका आखिरी दिन था सत्र लोकसभा का, तो आज आपने ये किया। अरे भाई, 4 साल से आप नरेंद्र मोदी जी और वो सवाल आप क्या कर रहे थे? वो सवाल तो इनसे ये पूछा जाना चाहिए ना। पूछ चुका हूँ ना सर, 4 साल 8 महीने बाद क्यों किया? कांग्रेस ने हमेशा आरक्षण देने की पक्ष धर रही है। जोगीराम जी, हरियाणा में क्या इम्पैक्ट पड़ने जा रहा है? क्या अगलों की नाराजगी दूर करके बीजेपी ने काफी कुछ साध लिया है? देखिए वरुण जी, हमारी पार्टी हमेशा से ही 2011 से इस पक्ष में थी कि जो वो जाति या स्वर्ण जाति जो आप बोलते हैं उसके लोग, उसमें भी जो गरीब लोग हैं जिनको जरूरत है उनको आरक्षण दिया जाए। लेकिन कांग्रेस ने भी लोगों के साथ धोखा किया, 2014 में मार्च में आके दिया लास्ट में, जिसका कोई महत्व ही नहीं था और वो भी जाके कोर्ट में टेस्टिमनी पे क्लियर नहीं हो पाया। और यही हाल अब बीजेपी करिए, 4 साल ये सुनते रहे, मराठा की सुनते रहे, गुजरों की सुनते रहे, जाट आरक्षण की सुनते रहे, सारा सुनने के बाद 4 साल बाद इनको याद आया, 4.5 साल बाद भैया 10% देना चाहिए। हम कहते हैं शुरू से क्यों नहीं देना चाहिए था, शुरू से ही देना चाहिए था। ठीक है, और हरियाणा में तो इसकी पैरवी नहीं हुई। हरियाणा में देखो हाई कोर्ट से स्टे है इसका, 10% का पहले ही जाट आरक्षण का भी स्टे है और ये इसमें स्वर्ण जाति का भी स्टे है, दोनों का स्टे है। तो यहाँ पर क्यों नहीं ये सरकार शेड्यूल 9 में लेकर आई? पहले ही चाहिए था, जब बार बार कहते रहे 9 शेड्यूल में लेकर आएंगे, क्यों नहीं लेकर आई? ठीक है, आज याद बीजेपी को आया। ये तो वह भागते हुआ
ये भी सोचते हैं कि होना कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से इस पे स्टे आ जाएगा। ठीक है सर, आ रहा हूं मैं, आज हम कर देते हैं। जी जी, जोगीराम जी एक मिनट लौट रहा हूं। सुरेश मछरौली सर, एक मिनट लौट रहा हूं। सुरेश मछरौली, आपको क्या लग रहा है कि जाट आरक्षण को लेकर जो मुहिम है उस पर असर पड़ने वाला है इस फैसले से? नहीं, इस पर कोई मुहिम पर असर नहीं पड़ेगा, हमारी मुहिम जारी रहेगी। हमारा मुहिम ओबीसी में शामिल होने की है, क्योंकि हमारे समकक्ष जाति वो सभी ओबीसी में हैं, जो किसान जातियां हैं। इससे कोई फर्क नहीं, तो ये जो लेकर आए, इससे पहले प्रयास नरसिम्हा राव ने भी किया था 1992 में, उससे भी वो कैंसिल हो चुका है। और तमाम राज्य सरकारें थे यहाँ जाटों के लिए या मराठों के लिए, वहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट है, गुजरात के लिए पटेलों को हाई कोर्ट ने पहले 50% ऊपर लगा था, और इसकी मंशा नहीं है। अगर सरकार की मंशा थी तो इसको पहले ले करते, जैसे कांग्रेस ने हमारे साथ ऐसे किया। अब ये एक अलग तरह का वो लाख प्रोपगंडा करके भरम फैलाना चाहते हैं, अब ये कर रहे हैं। इससे हमें तो कोई फायदा होने वाली चीज है नहीं, हम तो ओबीसी की मांग हमारी जारी रहेगी और हमारी मुहिम चालू रहेगी। चलिए ठीक है, ठीक है। मनदीप बिश्नोई, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ये जो मुहिम चली है इस वक्त, हरियाणा की राजनीति कितनी प्रभावित हो रही है इससे? पहले तो मैं, महिपाल जी ने जो बात बताई कि कांग्रेस ने भी 2014 में इस प्रकार का कहा, जनता उनकी बातों से बिल्कुल भ्रमित नहीं हुई। आज भारतीय जनता पार्टी के चुनावी स्टंट से, जो लोकसभा के आखिरी दिन के अंदर, और बिल्कुल ये आखिरी सत्र मान करके चलिए, क्योंकि एक सत्र और आना है बजट सेशन, वो तो बिल्कुल माइनर सा आना है, तो उस पर बजट को लेकर के चर्चा हो सकती है थोड़ी बहुत होगी, तो इस पर बिना चर्चा किए बिल्कुल आखिरी दिन लेकर के आना, ये चुनावी स्टंट बिल्कुल कहा जा सकता है। क्योंकि ये तो वो कहा जाएगा, घर के आगे बारात खड़ी है और अभी लड़की के कान बीनने की तैयारियां की जा रही है। आनंद फानंद में जो काम करना भारतीय जनता पार्टी करना चाह रही है वो कर रही है। अब बात आती है इंटेंशन की, इनकी इंटेंशन क्या है? इनकी इंटेंशन देश के युवा बेरोजगार को, लोगों को भ्रमित करने की है। जिस प्रकार से आंकड़े बता रहे हैं कि किस आज पूरे देश में मात्र 3% लोग टैक्स पेयर है, जी जी जी, 3% लोग टैक्स पेयर हैं, तो किस प्रकार से आप इन चीजों को कहेंगे कि 97% वो लोग हैं जिनकी आय 2.5 लाख से कम है। जब 2.5 लाख से कम आय 97% लोगों की है, तो 8 लाख की आय का जो क्राइटेरिया है वो क्या सोच करके इन्होंने किया है? जो मैं तो ये मानता हूं, हम इस आरक्षण के बिल का जो आर्थिक आधार पर है, पार्लियामेंटेरियन दुष्यंत चौटाला जी इसका समर्थन पहले भी कर चुके हैं मीडिया के माध्यम से, पार्लियामेंट के पटल से भी वो मांग उठा चुके हैं। आज भी इस बिल का हम समर्थन के साथ साथ ये सुझाव भी जरूरी है कि 10% में पूरे देश को ये कैसे 97% लोगों को किस प्रकार से कवर करेंगे, तो इसकी 10% की जो सीमा है उसको बढ़ा करके 30% तक लेके जानी चाहिए, तब जा करके ये 97% जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेज हैं, जिनको आरक्षित इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेज, ठीक है सर, ठीक है, संक्षेप में सर, संक्षेप में नहीं कवर हो पाएंगे। जी जी जी, चुनावी जुमला, चुनावी स्टंट, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर भागवत दयाल, आपने सबके आरोप सुन लिए, सबको चुनावी जुमला है या आपकी नीयत पर शक है? बुनियादी बात कहूं, सबको आपकी नीयत पर शक है? देखिए वरुण जी, सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी हमारे को ये कह रहे हैं कि आप देर से लेके आए, देश में 71 साल देश को आजाद हुए हो गए, 71 साल में से 60 साल देश पर कांग्रेस पार्टी का राज, साल में हमने देर कर दी, तो आप 60 साल तक कहां सोए रहे? दूसरी बात ये आती है कि ये कहते हैं जी ऐसा नहीं होने का, तो ये संसद में, मैं हाईकोर्ट में एडवोकेट हूं, जब पार्लियामेंट किसी चीज को पूर्ण बहुमत से पास कर देती है तो कोई दिक्कत ही नहीं रह जाती, कल ही राज्यसभा में पास हो जाएगा। क्यों झूठ बोल रहे हैं? लोकसभा में संविधान संशोधन का मामला है, दो तिहाई बहुमत से इसको पास कराना पड़ेगा, 15 राज्यों की विधानसभा में इसको पास कराना पड़ेगा। आप दे तो रहे समर्थन, कहां दिक्कत आ रही है? आप लोकसभा में, देश का कारण लोकसभा में पास होते सब हो गया, आप मेरे समर्थन विरोधी साहब के तत्व बल्कि मैं स्वागत करता हूं कि आप कुछ भी बोलते रहेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे, जनता मान ले भाई, बिल को कांग्रेस ने समर्थन दे दिया, प्रवक्ता है। यदि कांग्रेस के प्रवक्ता है तो जब कांग्रेस पार्टी लोकसभा में आप इस बिल का समर्थन करते हैं
तो टीवी चैनल पर बैठकर आप किस मुंह से इसका विरोध करते हैं? अरे भाई साहब, विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपके झूठ की पोल खोल रहा हूँ। शर्मा जी, आपके झूठ की पोल खोल रहे हैं। सुनिए ना, आप जो जुमले छोड़ रहे हैं उनसे प्रेरणा लेकर मोदी जी सर खट्टर साहब से वो जुमले यहाँ छोड़ रहे हैं, मैं तो उनकी पोल खोल रहा हूँ। टीवी चैनल पर भी आपकी यही समस्या है। जब आप बोल रहे थे तो क्या मैं बीच में बोल रहा था? आप इस बहस को पढ़ने की बहस बनाइए, ये कोई पहाड़ी शर्मा जी अपनी बात पूरी करिए। नहीं तो ये कोई तरीका थोड़ी है आपका। ठीक है शर्मा जी, अपनी बात पूरी करिए। ये कहा कि आठ 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 लाख तक की बात है, तो इसमें वरुण जी एक और चीज मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ। ये और प्रावधान है कि शहर में यदि आपके पास 109 गज से ज्यादा है तो आप उसमें पात्र नहीं है। यदि म्युनिसिपल कमेटी से बाहर जो जमीन है, चाहे वो गांव की हो चाहे शहर की अवैध कॉलोनियां हो, 209 गज से ज्यादा जमीन नहीं होनी चाहिए। तो 109 गज का प्लॉट क्या होता है? 209 गज बाहर है तो वो उसमें आ जाता है। 8 लाख आए, 5 एकड़ से ज्यादा जमीन और 209 गज के प्लॉट में रहेगा क्या? जिसकी 8 लाख प्रति वर्ष आए वो 100 गज के प्लॉट में रहेगा क्या? किसी को कोई ऐसी बात आएगी? ठीक है ठीक है, शर्मा जी रुकिए, मैं लौटूंगा सर आपके पास। वो 8 लाख, शर्मा जी, शर्मा जी, 2 लाख तक हो सकता है। शर्मा महिपाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अब अगर इसको हम हरियाणा की राजनीति में ले जाएं, क्योंकि जो 3 राज्यों में हुआ, जिस तरह से वहां नोटा का इस्तेमाल किया गया, ये कहा गया कि SC ST एक्ट में अमेंडमेंट के बाद जो सवर्णों की नाराजगी है उस मुद्दे पर बीजेपी को नुकसान हुआ, उसका परंपरागत कोर वोटर नाराज हुआ, क्या यूपी जैसे बड़े राज्य में जहां बड़ी संख्या है या देश की 100-125 सीटों पर सीधा प्रभुत्व है या असर है, और हरियाणा की राजनीति की बात करें तो वहां पर भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है, उस लिहाज से क्या ये नाराजगी दूर करने का एक फॉर्मूला है और क्या इससे नाराजगी दूर होगी? नहीं, शायद अभी जोगीराम जी कह रहे थे, बता भी रहे थे आपको जी, कि हरियाणा तो पहले दिया जा चुका था ये 10% और वो उस पर स्टे हो चुका है उसमें हाईकोर्ट में। सरकार की ओर से पता नहीं ढील है या नहीं है, आरोप तो ये लग रहे हैं कि सरकार की ओर से ढील है, अच्छी तरह पैरवी नहीं हो रही, स्टे विकेट नहीं हो रहा। अब वो ठीक है, नलीफाइड हो जाएगा अगर ये पार्लियामेंट में पास हो जाता है ये अमेंडमेंट बिल। पर बेसिकली हरियाणा तो पहले भी दिया जा चुका है, परंतु हरियाणा को बहुत असर नहीं पड़ा उस चीज़ का भी। मैं समझता हूँ कि हरियाणा की राजनीति में दो तरह को आप, एक तो बहुत सारी जातियां हरियाणा में बहुत ज्यादा मांग भी नहीं कर रही थी, जो जिन्हें अपर कास्ट कहा जाता है, स्वर्ण, जैसे ब्राह्मण है या बनिया है या पंजाबी समुदाय है या राजपूत समुदाय है, ये लोग बहुत मांग भी नहीं कर रहे थे क्योंकि बहुत ज्यादा कैटेगरी है। नहीं, नाराजगी तो सर वो अमेंडमेंट के बाद हुई थी ना? नहीं, अमेंडमेंट के बाद नाराजगी सच नहीं हुई थी, जो मध्य प्रदेश में दिखा, राजस्थान में नहीं, हरियाणा में जैसे वो SC ST एक्ट का जिसके ऊपर मध्य प्रदेश और राजस्थान में वहाँ दंगा फसाद भी हुए थे, हरियाणा में ऐसा भी नहीं हुआ। हरियाणा के लोग इस बारे में थोड़े से लिबरल हैं, वो बहुत ज्यादा कास्ट ST इस बात में अनटचेबिलिटी वगैरह में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं रखते हैं, और इसलिए यहाँ वो सो कॉल्ड डिस्पेरिटीज जो है ना, वो जो कास्टिस्ट डिस्पेरिटीज है, महत्वपूर्ण बात कह रहा हूँ, जो जातिगत जो दूरियाँ हैं वो नहीं है हरियाणा, बहुत ठीक है, आर्थिक हो सकती हैं हों और वोट के टाइम पर भी हो सकती हैं हो जाएं, लेकिन ये अनटचेबिलिटी का जो मुद्दा हमारे यहाँ बहुत ही थोड़ा सा है, बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है, इसलिए इसका इम्पैक्ट इसमें सच नहीं पड़ेगा। दूसरी बात ये कि मैं एक बात पहले भी कह चुका हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें आ जाती हैं ना, मेरे पास बहुत सारे उदाहरण हैं कि जब ये लोगों को ये लगने लग जाए कि ये चीज़ उसके दृष्टिगत करके रखी गई है, वोट के दृष्टिगत, उसमें लोगों बिल्कुल नहीं, हरियाणा का लोग कम से कम बहकावे में आता, वो समझ जाता है कि ये वोट के लिए किया गया या अच्छी नीयत से किया गया है। अभी मेरे ख्याल में सिवाय ये जो भाजपा के प्रवक्ता हैं डॉक्टर भगवत दयाल जी, इनके अलावा सभी यहाँ प्रवक्ता जो बैठे हैं सहमत होंगे कि सरकार 4.5 साल तक क्या करती रही। नहीं सहमत तो वो भी हो जाएंगे, क्या करें? अगर करना था तो आप 2 साल पहले 3 साल पहले, अब कह रहे हैं कि भाई हम तो जनता की सरकार होती, ठीक है, डेमोक्रेसी है, जनता की सरकार होती है, जनता के लिए होती है, बिल्कुल, वेलफेयर स्टेट हमारी तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, परंतु अगर इनकी वोट की दृष्टिगत नहीं रखा हुआ था मामला, ये अगर ये इसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और
छत्तीसगढ़ में नहीं आते थे, शायद ये भी नहीं करते, हो सकता उसी का प्रेशर हो, क्योंकि इन्हीं स्टेटों में सबसे ज्यादा एससी एसटी का जो एक्ट का अमेंडमेंट थी उसके ऊपर बवाल, उस पर सबसे ज्यादा बवाल इन्हीं स्टेटों में मचा था। हरियाणा कोई बवाल नहीं मचा, ना मेरे ख्याल में कोई कोई छोटा मोटा कोई हुआ हो तो बेसिक से हुआ हो, लेकिन हरियाणा को इस तरह जवाब लेते हैं भगवत दयाल जी, ये जो आप कह रहे हैं ना कि जनता की मांग, ये जनता की मांग कम लग रही है, सवर्णों की नाराजगी ज्यादा लग रही है आपको? नहीं, वोट की मांग ज्यादा लग रही है, वोट की मांग ज्यादा लग रही है। देखिए वरुण जी, मैं इस बात को दोहराता हूं, चाहे बेशक ये देर से आया, लेकिन सबको साथ लेके और सारे दल सहमत है इस बात पे, लेकिन विडंबना तब होती है कि संसद में कुछ बोला जाता है और बाहर कुछ बोला जाता है। और मैं ये कहता हूं कि कोई कई बार देखना पड़ता है कि शुरू में जब भी हमारी हमारी पार्टी की सरकार आई तो 10 साल में जो कांग्रेस ने गड्ढे खोदे थे उनके ऊपर बिल लेके आने, उनके ऊपर विकास कार्यों की बात करना सारा, लेकिन जब जनता ने, अब हमें लगा कि उधर एक तरफ राजस्थान में गुज्जर समुदाय है, महाराष्ट्र समुदाय है, हरियाणा का भी है, सारी बातें देखनी पड़ती हैं, लेकिन इस बात को कांग्रेस भी मानती है, आम आदमी पार्टी भी, इनर लॉबी के ये जो निर्णय आया है ये बहुत अच्छे से आया है। और जहां तक बात आती है कि इलेक्शन की या उसकी, देखिए हम सारी की सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, हम कोई साधु संतों की पार्टी, ये तो है नहीं कि हम सब यहाँ, हर कोई पार्टी चाहती है कि मैं सत्ता में आऊं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हम कोई काम करते हैं और हमें लगता है, और नहीं मैं तो मैं मतलब स्पष्ट बोलने वाला, अच्छी बात है सर, अच्छी बात है, हम सब राजनीतिक पार्टियां हैं, हर राजनीतिक पार्टी चाहती है कि मैं सत्ता में आऊं, इसमें बुरी बात भी क्या है, बिल्कुल सही है, यदि हमें लगता है कि वो लोग नाराज हैं और वो नाराज की उनकी दूर होनी चाहिए तो इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर, मैं आपका आपके पास लौटूंगा। राजेश यादव जी, लेकिन ये आप लोग क्या जाती कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ठीक है हम समर्थन में हैं, सब कुछ सही है, फिर आप बोले नहीं जी इसमें भी हो सकता है कि ना हो पाए, अगर सरकार कर रही है पहली बार देश में आर्थिक आधार पर अगर आरक्षण की पहल हुई है तो क्या इसका विरोध होना चाहिए? वरुण जी, ये भारतीय जनता पार्टी के अपना पक्ष भी खुद ही सुना देते हैं और ये दूसरे का पक्ष भी खुद ही सुना देते हैं। अरे भाई, ये जो संविधान जब बना था, जब देश में आम चुनाव हुए, जब संविधान सभा बनी तो उसमें आरक्षण का प्रस्ताव रखा गया था, उस आरक्षण को, शर्मा जी आप वकील हैं तो आपने पढ़ रखा होगा कि उसमें आर्थिक आधार पे, जातिगत के आधार, जातिगत के साथ साथ आर्थिक आधार पे भी, क्योंकि आर्थिक सामाजिक असमानता, समाज में गैर बराबरी को खत्म करने के लिए आरक्षण का प्रावधान था। और शर्मा जी आप ये बताइए ना, आप आज से 10 दिन पहले तक तो आपके आरएसएस के जो बड़े बड़े, आपके मोहन भागवत तक हो, चाहे आपके भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हो, वो तो आरक्षण को घोड़े के पैर में जंजीर, आरक्षण को भीख, टैलेंट का सत्यानाश, आरक्षण से देश की प्रगति में अवरोध, ये बता रहे थे। अगर जो आपके, क्योंकि आप लोगों ने हमेशा इस देश के लोगों के साथ छल किया है, आप ये कह रहे हैं कि 60 साल में क्या हुआ, 60 साल में वरुण जी इन्होंने सिवाय देश की जनता के विरोध के काम करने के इन्होंने कुछ नहीं किया। आज ये जब कह रहे हैं कि आर्थिक आधार पर हम आरक्षण दे रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी जब शुरू से कह रही थी कि आरक्षण जिसको जरूरत है, जिसको आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी समुदाय से हो, उसको मिलना चाहिए, तो ये क्यों अड़ंगा लगा रहे थे? दूसरा वरुण जी, आज महत्वपूर्ण मुद्दा यह भी है, इस बात पे इनसे जवाब लीजिए कि आप ये कह रहे हैं कि हम भाई अगड़ों को आरक्षण देंगे, ठीक है आप जो करेंगे, आपने 24 लाख पदों को खाली रखा हुआ, उनको क्यों नहीं भर रहे? जो बैकवर्ड और एससी एसटी की जो पोस्ट है उसको आप बैकलॉग से क्यों भर रहे हैं फर्जी तरीके से? आप इस बात का भी जवाब दीजिए। बड़े जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें आपने आरक्षण को लगभग बर्बाद कर दिया है, उसका आप जवाब दीजिए। निजीकरण करने जा रहे हैं तो उसका कुछ कर नहीं पाए 60 साल में, मतलब इस तरह से वरुण जी एक बात सर, और मेहमानों को भी लेना सर, नहीं आ रहा शर्मा जी, देखिए वक्त की थोड़ी पाबंदी है, एक मिनट रुक जाइए। आपने 4 साल में इस देश को गर्त में पहुंचा दिया। हरियाणा की बात कर लीजिए, हरियाणा में जातीय दंगे पहली बार आपके राज में हुए, 50 साल में कभी हरियाणा की आप ही चर्चा करेंगे सर, और मेहमान भी तो सबको सुनिए। जोगीराम जी बात करते हैं, जोगीराम जी बोलेंगे, जोगीराम जी ड्रेल ना करें जी, जोगीराम जी डिबेट को ड्रेल ना करें। मेरा कहने का मतलब है के भी आजकल जनता भी समझदार हो गई है, जनता समझती है जो भी उनके फायदे के लिए चीज का कोई जुमला बनाया जाए उसको परखा जाए।
जो पहले कांग्रेस बहकाती थी उसके बाद बीजेपी ने बहकाना शुरू किया। लोग चाहते हैं कि ये दो साल में तीन साल में कुछ लेके आए ताकि हम परख तो लें क्या सच है झूठ है। अब ये ऐसे टाइम पर लेके आए, कोई परखने का समय ही नहीं है लोगों के पास, जबकि मुद्दा ठीक है, सब चाहते हैं कि होना चाहिए, लेकिन उसमें नियत का मुद्दा है, नियत ठीक है नहीं। अगर ये दो साल तीन साल पहले होता तो इसको परखते लोग, भाई क्या इससे किसको लाभ है किसको लाभ नहीं है, तो उसका पता चलता। ठीक है भाई, क्या ये लोगों के लिए है या दिखावा दिखावा है। अब स्वामीनाथन की रिपोर्ट देख लो, बाकी सभी जुमले जो थे मैंने, फिर दूसरे मुद्दे पर नहीं जाएंगे ना सर आज। रुक जाइए सर, रुक जाइए। मंदीप बिश्नोई आप बताइए मुझे सर, आ रहा हूँ आपके पास। मंदीप बिश्नोई ये बताइए, क्या हरियाणा में बीजेपी ने एक तरह से एज ले लिया है, बाकी मुद्दे गौण हो गए हैं? ऐसा है बिल्कुल, कोई एज नहीं लिया। हरियाणा प्रदेश की जनता, जैसे महिपाल जी ने बताया कि बड़ी समझदार है, इन तरह की चुनावी स्टंटों से भ्रमित होने वाली नहीं है। जहां तक हरियाणा में पहले से 10% आरक्षण का जिक्र आया, इकोनॉमिक बैकवर्ड पर्सन्स अदर क्लासेस जो थी उसमें भी एक क्लॉज दिया गया कि जिस व्यक्ति को, जिस जाति को किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं मिला उनको 10% आरक्षण दे दिया गया। उसमें जाट बिश्नोई सहित जो 6 जातियां हैं उनको भी इग्नोर किया गया। हाँ, तहसीलदार के पास जब सर्टिफिकेट बनवाने जाते थे वो लिखते हैं आपको आरक्षण मिला हुआ है, जबकि हाईकोर्ट से स्टे है। तो यहाँ तो दोहरी मार इन 6 जातियों पर पिछले 4.5 साल से हरियाणा प्रदेश में पड़ रही है। आज जो आरक्षण का बिल ये आनंद फानंद में लेकर के आए हैं, मेरा ऐसा मानना है कि जो 10% आरक्षण की कैटेगरी में इन लोगों को रखा गया है, 97% लोगों को इनकम टैक्स की स्लैब बढ़ाने की इनसे रिक्वेस्ट की जाती है, माननीय वित्त मंत्री जी मना कर देते हैं। जब 2.5 लाख तक की इनकम वाले 97% है और उससे अब वो टैक्स पेयर 3% है, तो किस प्रकार से ये 10% में संतुष्ट कर पाए? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। एक मिनट हुआ, पुराने फिल्म एक महेश मित्तल जी, काफी पंजाबी पिक्चर के कॉमेडियन है, वो उसका नाम नहीं जान, लेकिन वो गिलास दूध लेके आते किसानों को छूट है, किसानों को टैक्स पे छूट है, पोल्ट्री पे सब पे छूट है। पार्टी आज 10% आरक्षण ला करके 97% लोगों पर ठीक है मारने का प्रयास कर रही है। ठीक है बिश्नोई जी, महिपाल सिंह जी मुझे एक बात बताइए, क्योंकि कार्यक्रम के मंत्र में बढ़ रहे हैं, क्या मौजूदा वक्त में प्रदेश में या देश में जो कुछ मुद्दे थे फौरी तौर पर या कुछ वक्त के लिए उन मुद्दों की हवा निकल गई है, जो बीजेपी ने स्टेप लिया है, सारा जो फोकस है वो डाइवर्ट हो गया है? देखिए आज हमें ये लग रहा है कि सारा फोकस डाइवर्ट हो गया, लेकिन बहुत लंबी देर तक नहीं चलेगी ये, 1 हफ्ता 10 दिन तक ऐसा लगेगा। हम मुद्दों से बिल्कुल और मुद्दे गौण हो जाएंगे और इसी मुद्दे पे चर्चाएं रहेंगी, टीवी डिबेट है, अखबार हैं, व्यक्तिगत संपर्क हैं, या जहां बहस मुबाहस हैं, सेमिनार्स हैं, सोशल मीडिया है, गोष्ठियाँ हैं, सब पे ऐसे रहेगा अगला 10-15-20 दिन तक, जब तक ये होगा। लेकिन ये बहुत जल्दी ही लोग मेन मुद्दे पे आ जाएंगे और इसके नफा नुकसान के बारे में जान जाएंगे कि इससे कितना लाभ होना है, कितनी हानि होनी है। हानि भी होनी है इससे, मान लीजिए 100 पोस्ट निकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें 10 पोस्ट इस कैटेगरी में आ गई, जो अच्छे बच्चे हैं वो सोचेंगे कि हम जो बाकी बच्चे 40% के लिए, 50 था वो अब 40 हो गए, नहीं अब 10 पे आ जाएंगे हम, कि हम 10 में के लिए कम्पीट 10 में कम्पीट करें या 40 में कम्पीट करें। तो ये इसके नुकसान भी होंगे, ऐसा नहीं कि केवल मात्र इससे लाभ ही लाभ होगा। और दूसरी बात ये है कि इससे बहुत ज़्यादा 10% से भी उससे भी, क्योंकि हमारे यहाँ बेरोजगारी इस लेवल पर पहुँच चुकी है, करोड़ों की संख्या में बेरोजगार हैं, एक मोटे से आंकड़े के हिसाब से इस टाइम पे ग्रेजुएट से और उससे ज़्यादा ट्रेंड लोग हैं वो 3 करोड़ से ज़्यादा आज रोजगार मांग रहे हैं, बेरोजगार हैं। और हमारे पास सरकार रोजगार, तो हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को छोड़ दें तो आज का रोजगार मांगते ही या तो MNC वगैरह में हो या सरकारी में हो, जहाँ थोड़ी सी रिस्पेक्टेबल तनख्वाहें मिलें और उनकी रिस्पेक्टेबल जिंदगी जिए वो बच्चे। लेकिन आज स्थिति आ गई है कि इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगार, अभी जैसे अभी राजेश जी बता रहे थे कि 65,000 वैकेंसी निकली, 18 लाख लोगों ने अप्लाई, बच्चों ने अप्लाई किया, और उसमें कितने PhD थे, डी ग्रुप में कितने PhD थे, कितने MBA थे, कितने LLB थे, कितने MA थे, कितने MPhil थे, डॉक्टर इंजीनियर थे डी ग्रुप डी की वैकेंसीज में। ठीक है सर, और उसमें भर्ती कितनी हुई, 10,000। तो हमारे यहाँ बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा एक भयावह स्थिति है, जिसके ऊपर सरकार, कोई भी सरकार बहुत गंभीर कभी भी नहीं रही और वर्तमान सरकार तक कभी भी गंभीर नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है। भागवत दयाल जी, ये कल भी बहुत सवाल उठ रहे थे, जब रोजगार है ही नहीं तो आरक्षण का फायदा क्या? जी देखिए, जो बजटेड पोस्ट होती है वो चाहे सरकार किसी की आए वो रहती है,
और जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में 31,000 पोस्टें एसएससी के द्वारा भरी जा चुकी हैं और 18,000 अभी डी ग्रुप में अभी रिजल्ट आ रहा है और हमारे पास 10 महीने आप ये बताइए कि आपकी सरकार ने 65,000 पदों पे जो विज्ञापन निकाले थे सारी बाकी बची हुई 55,000 पदों का क्या हुआ, आप ये बताइए ना। 10 महीने का समय है अभी हरियाणा में, जितने भी काम है जितनी पोस्ट है वो सारी की सारी फुल हो जाएंगी और जब हम इलेक्शन में आएंगे तो जनता के सामने यह होगा कि जितनी नौकरियां लगी सारी की सारी मेरिट पे लगी, कोई जाति के नाम पर भेदभाव नहीं, कोई एरिया के नाम पर भेदभाव नहीं, कोई किसी पहले क्या होता था रोजगार का मतलब है तो रोजगार के नौकरी पूरी श्रेणी के पेपर देश दिए सारे पेपर लीक हो गए एचएसएससी के चेयरमैन के ऊपर सरेआम मीडिया में वो दो चक्कर लाइव में लेते हुए कैद हो गए। आप किस ईमानदारी की बात कर रहे हैं जो कि ना उनका कोई एचएसएससी के चेयरमैन सस्पेंड हो गए, ये ड्रामा था कि एचएसएससी के चेयरमैन सस्पेंड हो या तो हमने मेरिट के बेस पे नौकरी जो लोग लगे हैं उनसे आप पूछ लीजिए व्यक्तिगत जाकर के मेरिट पे लगे हैं कि नहीं है, वो जनता आपको जवाब दे देगी। और हम 2014 में सत्ता में आएंगे, 19 आए थे, 19 में जब इलेक्शन होगा तो जो युवा जो पढ़ा लिखा युवा है वो हमारे लिए काम करेगा और हमने जनता से जो वादा किया था कि हम मेरिट पे नौकरियां देंगे हमने वो किया है और आगे भी जितनी मिलेगी सारी की सारी मेरिट बेस पर देंगे।